जयपुर में राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य प्रबंधक इकबाल खान ने फर्जी पट्टे पर लोन लेने के मामले को लेकर हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपी महेंद्र राजौरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इकबाल खान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फर्जी ऋण उठाने के मामले में मानकचौक थाने में 2 वर्ष पहले मामला दर्ज करवाया गया था और आरोपी कई अन्य गतिविधियों में भी लिप्त है। गौरतलब है कि आरोपी महेंद्र राजौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र राजौरिया को माणक चौक में मेरे द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी क्योंकि इन्होंने फर्जी पट्टों पर लोन लिया था, जिसमें इनकी वाइफ और इनकी सुमन राजौरिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। महेंद्र राजौरिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन महेंद्र राजौरिया ने इसी बैंक से भी पूनम खंडेलवाल और अजय खंडेलवाल से लोन ले रखा है, जो FIR हमने 365/19 दर्ज कराई है, तो उसमें भी उनका गिरफ्तार होना शेष है। और जिसके मैं मुख्य आरोपी डॉक्टर फिरोजा बानो है, जो वर्तमान में केंद्रीय हज कमेटी की मेंबर है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसके बाद ही जब तक फिरोजा बानो गिरफ्तार नहीं होगी, किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं। इसमें मुख्य आरोपी फिरोजा बानो है, महेंद्र राजौरिया है, और महेंद्र राजौरिया नहीं, जितने भी ये फर्जी लोन है फिरोजा बानो के साथ मिलकर करवाए।